मेरे बच गए 4 लाख रुपए, नहीं तो भाई साहब अगर ये वारंटी के बाहर होती ना तो वाट लग जाती। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकलॉग वरुण। आज बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग बन रहा है और क्यों बन रहा है उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। क्योंकि लाइफ में चल रहे थे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। मींस जो मेरा ऑफिस था वो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा उसका काम इम्पैक्ट हो गया है। इंडिया साइड में बहुत सारा ऑपरेशन आ रहा है, तो क्योंकि आपका भाई प्रोजेक्ट मैनेजर है तो सारा इम्प्लीमेंटेशन और बिजनेस लाना, टीम चलाना, बहुत सारी चीज़ें आपके भाई को करनी पड़ती है। बहुत बड़ा रीज़न एक और है, मेरा जो दिल्ली में एक घर था वो भी उसके बहुत सारे काम शुरू हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वो केस जो है घर का सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तो उसके पैसे मांगे उन लोगों ने। तो ये है मेरा न्यू स्टूडियो जैसे कि आप देख रहे हो, और यहाँ पे मैंने अपना ये वुडन फ्लोरिंग डाला है। यहाँ सोसाइटी में मेरे को मिल गया तो मैंने सोचा उसको यहाँ पे डाल के थोड़ा ये ज़मीन पे ना ठंड लगती है, जो वाला फ्लोर है ना इसमें ठंड लगती है, तो मैंने इस बार वुडन फ्लोरिंग लगा दी है ताकि जब भी मैं वहाँ पे बैठूँ तो मुझे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर लगे। बैंगलोर में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और हाँ, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, ये राइनॉक्स के नए ग्लव्स है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, ऐसे नहीं क्योंकि ऐसे तो स्टूडियो में बैठ के ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इसको पहनते हैं बाइक के ऊपर और फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइज, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स अभी तक नहीं बने हैं, तो आपका भाई लेके आया एक नई चमचमाती हुई बास्केटबॉल। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो आपको काफ़ी पता लगा होगा कि क्यों मैंने बास्केटबॉल खेलना पसंद किया है और क्यों मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया है। तो उसके 2 रीज़न है। नंबर 1 कि मेरे को बास्केटबॉल पहली बात आता नहीं था। बचपन में मेरी हाइट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से मैं वॉलीबॉल, हॉकी, इस टाइप के गेम ज़्यादा खेलता था, क्रिकेट। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जब नए दोस्त बनाने हैं तो नए इंटरेस्ट शुरू करने पड़ेंगे, तो ये दूसरा रीज़न है। क्योंकि नए इंटरेस्ट से नए दोस्तों से मिलने की मौका मिलेगा। तो आप भी अगर आप लॉकडाउन में बोर हो रहे हो तो डू समथिंग न्यू टू मेक न्यू फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग। मेरा घर एकदम सेट हो गया है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम चलते हैं सीधा बाइक के ऊपर। तो गाइज, ग्लव्स ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं एक मास्क, क्योंकि राइनॉक्स वाले ने 2-3 मास्क भेजे थे, तो कौन सा वाला सही रहेगा? कैमोफ्लेज लेते हैं, ये वाला बढ़िया है। तो आपका भाई इज़ ऑल सेट इनसाइड द हेलमेट एंड लेट्स गो डाउन एंड टॉक मोर अबाउट दीज ग्लव्स। कौन से हैं ये ग्लव्स? सो गाइज, बाहर निकलने से पहले एक और चीज़, हमारा पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, वॉलेट और बाइक की चाबी बहुत ज़रूरी है। और महकने के लिए ई, हम बाहर जाने से पहले ई लगाते रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड गाइज, ये मेरी दारू की बोतलें नहीं है, दोस्त की है, तो जब भी खाली करता है तो मैं ला के यहाँ पे रख देता हूँ। तो बाय मैडम, चल आता हूँ मैं फिर। तो गाइज, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। लिफ्ट को कॉल करते हैं। एंड वो जो मैंने प्लांट दिखाया था इंस्टाग्राम पे, वो मैं बेसिकली यहाँ पे रखता हूँ। और ये जो लकड़ियाँ हैं ये किसी ने अपनी फ्लोरिंग से निकाली है, जो मैंने अपने स्टूडियो में यूज़ करी है। अभी बहुत सारी वहाँ पे पड़ी है, मैंने निकाल के रखी है, और ज़रूरत पड़ेगी तो और लगा लेंगे। सो लेट्स गो टू द लिफ्ट। आजा आजा। मज़े आ रहे हैं। इस ग्लव्स का ब्रेकिंग पीरियड चल रहा है और ये ग्लव है राइनॉक्स का ईवो स्टॉर्म 2 मोटर स्पोर्ट। अभी ब्रेकिंग पीरियड चला, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है मुझे, क्योंकि नया ग्लव है तो यार थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको सेट होने में। और इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस दे रखे हैं जिसकी मुझे आदत नहीं है। मेरे प्रीवियस किसी भी ग्लव्स में ये वाले प्रोटेक्शन मतलब इतने बढ़िया नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है। बट मेरे को हैंड पोजिशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आई थिंक इस ग्लव का एडवांटेज ये है कि जब भी मैं जैकेट डालता हूँ और छोटे ग्लव्स डालता हूँ तो यहाँ पे बीच में सनबर्न हो जाता है। आई होप आपको भी होता होगा। तो वो सनबर्न वाला इशू एक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और जो इसका प्रोटेक्शन है वो ऑब्वियसली पहले से बेटर है। साइड में भी दे रखा है इधर, इफ़ यू सी। और अभी हम जा रहे हैं BMW मोटराड। मौसम अच्छा होता है तो बाइक अच्छी नहीं होती है, बाइक अच्छी होती है तो दुनिया ख़राब हो जाती है, और दुनिया अच्छी होती है तो फिर बाइक ख़राब हो जाती है। तो गाइज़, मेरी बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। I'm not complaining that BMW is not supporting me, but मेरा पूरा साल, इस साल मैंने शायद 1000 किलोमीटर राइड किया होगा मैक्स, और आई होप मुझे ज़्यादा राइड करने को मिले। बाइक में प्रॉब्लम क्या हुआ है, 4 लाख का खर्चा बच गया है मेरा बिकॉज ऑफ BMW सपोर्ट। मैं पिछले कुछ ट्रिप्स में मतलब जब मेरा लास्ट टाइम R18 का वीडियो बना था उसके बाद मैं इसको 300 किलोमीटर चला चुका हूँ। बाइक में आ गए थे कुछ इश्यूज़। मैंने यहाँ पे टैंक को, टैंक का जो बैग होता है उसको होल्ड करने के लिए एक लिड लगाया था, उसकी वजह से बहुत सारे स्क्रैचेस हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया है। तो आज के बाद जब भी आप टैंक लिड लगाओ या अपनी बाइक के ऊपर कहीं पे भी जहाँ पे पेंट हो रखा है वहाँ पे कुछ भी लगाओ, तो पहले एक टेप लगा लो, 3M टेप लगा लो या कुछ लगा लो, उसके बाद ही उस चीज़ को वहाँ पे लगाओ, तो उससे आप अपने स्क्रैचेस से बचा सकते हो। दूसरी चीज़, बाइक के शाफ्ट के यहाँ पे एक रबर होता है, और ये जो आप एक पाइप देख रहे हो, यहाँ पे एक नया पाइप लगा हुआ है। ये पाइप यहाँ से शाफ्ट ब्रीथ करता है, क्योंकि जब शाफ्ट गर्म होती है तो उसको हवा अंदर लेना पड़ता है, तो वो ब्रीदिंग के लिए वहाँ पे एक छेद दिया हुआ है, तो वहाँ से और इस रबर की तरफ से ये लूज़ हो रखा है थोड़ा, शाफ्ट के अंदर पानी गया। कैसे गया मुझे नहीं पता। बाइक चली भी नहीं है पूरे साल, और 21,000 पे इसको मैंने सर्विस करवाया था, तो जब 30,000 वाला सर्विस हुआ उसमें पता लगा कि भाई शाफ्ट में हो रहा है थोड़ा सा रस्टिंग। तो वो अलार्मिंग नहीं था, थोड़ा सा रस्टिंग था, इनिशियल स्टेज थी रस्टिंग की, लेकिन BMW ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। और ये जो पूरा शाफ्ट है, तो इसको बोलते हैं फाइनल ड्राइव। यहाँ से जो इंजन से एक रॉड आती है और इसके अंदर जाती है उसको बोलते हैं फाइनल ड्राइव, और इसको बोलते हैं बेवल गियर। ये सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, तो अगर आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये स्क्रीनशॉट है वो रस्टिंग का इनिशियल स्टेज, तो वो रस्टिंग होना शुरू हुआ था यहाँ पे फाइनल ड्राइव के अंदर, लेकिन उसकी वजह से बेवल ड्राइव भी बेवल गियर भी थोड़ा सा ख़राब होता है। तो BMW ने क्या किया, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा मंगवाया बर्लिन से, और इसकी कॉस्ट आती है ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीस। और लकीली भगवान की दया है, क्रॉस फिंगर्स, बाइक जो थी वो वारंटी के अंदर ठीक हो गई। सो मेरे बच गए 4 लाख रुपए, नहीं तो भाई साहब अगर ये वारंटी के बाहर होती ना तो वॉट लग जाती। तो अब इसके अंदर इशू क्या आ रहा है, मैं जो 300 किलोमीटर राइड किया ये सब चेंज कराने के बाद, तो बाइक के अंदर आ रही है, जब भी मैं 100-120 के करीब जाता हूँ तो बाइक के अंदर वाइब्रेशंस आ रही हैं, मुझे नहीं पता क्यों आ रही हैं, तो उसी को मैं टेस्ट कराने जा रहा हूँ। तो गाइस ये एक रीज़न है। पहले इसके अंदर जंग लग गया, फिर उसकी वारंटी को क्लेम करने के लिए पार्ट को बर्लिन से आने में 1.5 महीना लगा, तो मुझे नहीं पता बाकी कंपनीज़ में कितना टाइम लगता है, इसमें 1.5 महीना लगा। यस, फाइनली हमारा काम हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो कंपनीज़ के साथ लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनके पास पॉलिसीज़ होती हैं, सब कुछ होती हैं इन प्लेस अपने आप को सेव करने के लिए, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारी जेब से पैसे लगे होते, तो धैर्य से काम लो। और यहाँ की रोड की हालत हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब। BMW की रोड ऑफ रोडर बन गई है, ऑफ रोडिंग के लिए सही है। अभी BMW के अंदर कैसे लेके जाएंगे मालूम नहीं। Hey guys, finally I am inside my mask, और मैं हूँ पूरा चेक, और यहाँ पे खड़ा है आपका डॉलर, इसलिए खड़ा है क्योंकि जैसे आपने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो सरन जो हमारा सर्विस इंजीनियर हेड है वो बाइक को यहाँ पे लेके आया है। ही प्रॉमिस्ड ही विल सी द होल यू नो टेंशन बोल रहा हूँ, जो नट्स है वो प्रॉपरली टॉर्क हुए हैं कि नहीं हुए, टॉर्क चेक करेगा पूरा बाइक का, और उसके साथ साथ वॉल्व में से थोड़ा शायद गैपिंग का इशू है, तो सरन इज़ अ इंजन एक्सपर्ट, तो उसने बोला है कि वॉल्व को वो चेक करेगा, और साथ में उसका जो गैप है या जो भी है इसकी वजह से टैपेट साउंड आ रहा है उसको वो ठीक करने की कोशिश करेगा। साथ में शॉकर्स में से ही सेड सम नॉइज इज़ कमिंग, और उसके साथ साथ जो ये जो पार्ट है, जो कंप्लीट पार्ट है, ये पूरा पेंट होने वाला है, तो अभी बहुत ज़्यादा सनी है, बाइक हमें देनी पड़ेगी। और सरन ने बोला इसमें 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, तो लगा लो सैटरडे तक मेरे को बाइक मिलेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं और देखते हैं, अगर कोई नई बाइक है तो राइड करेंगे, नहीं तो घर जाएंगे, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो सी यू इन अ व्हाइल। One, two, three, go!